नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कन्नौज में किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप करने के मामले में दो भाइयों को पॉक्सो एक्ट के विशेष अदालत ने 20 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों भाइयों पर 26-26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही जुर्माना ना देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 साल की किशोरी से 15 मई 2017 की रात अपहरण के बाद गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। किशोरी बदहवास हालत में गांव में ही एक मकान में मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद अब अदालत ने दोषियों को 20 की सजा सुनाई है। तो किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो 3 साल बाद आखिरकार दोषियों को सजा मिली और उन्हें 20 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है। तो कन्नौज में आखिरकार पुलिस और प्रशासन की मदद से 3 साल बाद न्याय मिला, परिजनों को और दोषियों को 20 साल की सजा मिली है। किशोरी को बंधक बनाकर 3 साल पहले बता दे कि आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसको देखते हुए अब उन्हें 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रप्रकाश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रप्रकाश सिंह, क्या कुछ इस मामले में अभी तक की अपडेट है? जिस तरीके से 3 साल बाद न्याय मिला है, तो परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप दो सगे भाइयों को 20 साल की सजा सुनाई, वहीं 26 हजार रुपए जुर्माना लगाया। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 15 मई 2017 को देर रात शौच करने के घर वापस आते समय पटियन कड़ी फिरोजपुर निवासी दो सगे भाइयों ने साथ जी मिलकर किशोरी का अपहरण कर लिया। तो दोनों भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं किशोरी हालात में गाँव के ही एक मकान में पड़ी मिली थी। गुरुवार को किशोरी के साथ सामने दुष्कर्म मामले दोनों भाइयों को आरोप से धोने के बाद विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट जज गीता सिंह ने 20-20 साल का कारावास सजा था, साथ ही 26-26 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। जी तो जिस तरीके से इनको सजा सुनाई गई है, तो पीड़ित के जो परिजन हैं, उनका क्या कुछ पुलिस के प्रति भरोसा जगा है? पीड़ित के जो परिजन है उन्होंने खुशी जाहिर की है। वहीं पीड़ित के परिजनों को कहना है कि अब पुलिस ने हमारे साथ न्याय दिलवाया है, कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करवा किया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आखिरकार न्याय मिला और 3 साल के बाद जो आरोपी थे उन्हें सजा मिली। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीलीभीत में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के नाम पर वसूली करने का मामला सामने आया है, जहां युवक धनराशि की फर्जी रसीद बनाकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत लोगों से राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरे जिले से जो पैसा एकत्रित हो रहा है उसको रोजाना बैंक में हम नकद और चेक जो मिल रहे हैं चेक के द्वारा जमा कर रहे हैं। ये अधिकार सिर्फ विष्णु रूपा सर को ही मिला है कि रसीदें जो आई हैं वही सब रसीदें कटवाएगा, चाहे हमारे जो भी अनुसांगिक संगठन है, कोई भी हिंदूवादी संगठन है, वो इस रसीद को हमसे लेके कटवा रहे हैं और सब लोग हमारे सहयोग में। जो मुकदमा दर्ज कराया वो क्या मामला था? वो मुकदमा दर्ज इसलिए करवाया कि एक हिंदू संगठन जो है उसने अपना एक अलग रसीद छपा के और उसको उसने काटना चालू कर दिया और उसमें यह है कि हमारे रसीद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ अपडेट है अब तक?
कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जब से राम जन्मभूमि मंदिर की नींव रखी गई है, उसके बाद से जो है कुछ हिंदू संगठनों द्वारा जो है मंदिर के लिए जो चंदा एकत्र किया जा रहा है, जो कि मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भेजा भी जा रहा है चेक के माध्यम से, और बहुत से लोग जो है कैश भी भेज रहे हैं। लेकिन इसी इसी के चलते जो है पीलीभीत में कल एक युवक द्वारा जो है फर्जी राम जन्मभूमि की रसीद बनवाकर काफी दिनों से जो है पुलिस की जा रही थी, जिसकी पुलिस को सूचना मिलने के बाद जो है पुलिस द्वारा उपरोक्त व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया गया है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि पीलीभीत के जो विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा दी गई तहरीर पर जो है उपरोक्त अभियुक्त के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है। जी, मामले का खुलासा कब हुआ? बिल्कुल जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है पुलिस के पास जो है मुखबिर द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति जो है राम जन्मभूमि के नाम से जो है चंदा वसूल कर रहा है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जब उस युवक को पकड़ा और पकड़ने के बाद में जब उससे पूछताछ करने के बाद में पूरे मामले का खुलासा हो गया कि उसके द्वारा जो है फर्जी तरीके से ये रसीदें छपाई गई थी और जो है लोगों से चंदा एकत्र किया जा रहा था। जी, गिरफ्तार अभियुक्त जो है उसके पास से कुछ क्या कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं? जिस तरीके से उसने अवैध वसूली की थी तो कितने कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं? युवक को गिरफ्तार किया गया है तो उसके पास से फर्जी रसीद मिली है और चंदा के नाम पे जो पैसे वसूल कर रहा था कुछ धनराशि भी पुलिस को प्राप्त हुई है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब लगातार लोगों से पैसे अवैध तरीके से वसूले जा रहे हैं। इसी बीच मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बता दें कि जन्मदिन पार्टी में ताबक तोड़ फायरिंग की गई है। मुरादाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जन्मदिन पार्टी में ताबक तोड़ फायरिंग की गई है। दबंग युवक ने नाराज होकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है और जन्मदिन पार्टी में ना बुलाने से, दरअसल ये दबंग नाराज था जिसकी वजह से पार्टी में आकर ताबक तोड़ फायरिंग की, और फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक सलभ गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से 3 तमंचे और 66 कारतूस भी बरामद किया है पुलिस ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दानवीर जुड़ चुके हैं। दानवीर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, संपर्क टूट गया। तो बता दें कि मुरादाबाद में किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि जन्मदिन के मौके पर न बुलाने पर जन्मदिन पार्टी में पहुंचते हैं और ताबक तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो दानवीर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दानवीर, इस पर क्या कुछ अपडेट है? अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का ये मामला है, जब कुछ बीते दिनों एक जन्मदिन पार्टी में 3 देसी तमंचों का इस्तेमाल किया गया तो हवाई फायरिंग की गई थी, जिसमें लगभग 66 से ज्यादा फायर किए गए थे, जिसमें कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल किया था और उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया। उसी दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया, जिससे 3 तमंचे और अवैध तरीके 3 तमंचे बरामद किए, काफी बड़ी मात्रा में जो कारतूस होते हैं वो भी बरामद किए गए हैं और काफी खोखे भी बरामद किए गए हैं और पुलिस इस मामले की गहराई से जांच में लगी है और उस जो युवक है उससे पूछताछ में भी लगी है। पकड़े गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है? बिल्कुल, पुलिस ने जिस विषय में पुलिस की बात की तो पुलिस का बयान आया कि जो 1-2 चोरियों में ये मामले ये लिप्त रहा है, लेकिन बड़ी घटना में ऐसा कोई अंजाम नहीं दिया है इसमें। जैसे कि चोरी जैसी घटनाओं में ये एक बार जेल जा चुका है थाना सिविल लाइन क्षेत्र से और ये हवाई जो अपना रौब जमाने के लिए ये प्रक्रिया इसमें मामला ये तमंचों का इस्तेमाल किया था जिसमें पार्टी में इसको 3 तमंचे समेत और अन्य कारतूस को लेकर गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूछताछ की जा रही है आखिरकार कौन कौन लोग मौजूद थे और जिस शख्स कहां से लाए गए थे, ये पुलिस पूछताछ में लगी है
और इस मामले का बड़ा खुलासा सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा किया जाएगा। युवक के पास इतनी भारी मात्रा में कारतूस और जिस तरीके से बंदूक पाया गया है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो इस पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, पुलिस अधिकारी की तरफ से ये बयान आया है कि अभी तक इस मामले जिससे तीन तमंचे बरामद किए गए हैं उन पर काफी बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं और युवक से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही ये कुछ बताता है उन अन्य जगह पर भी कार्रवाई की जाएगी। ये शख्स आखिरकार कहाँ से आए, तो इस मामले को पुलिस को लगातार पूछताछ में लगी है। पुलिस टीम गठित कर दी गई है कि आखिरकार जो जिस ऊपर जो शख्स आए हैं वो कौन सी जगह से आए हैं, किससे खरीदे गए हैं, किस कौन बनाने वाला है, तो ये सब लगातार पुलिस इस मामले में पूछताछ में लगी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दे कि मुरादाबाद में युवक ने पार्टी में ताबड़तोड़ फायरिंग की। वजह सिर्फ ये था कि उसे पार्टी में निमंत्रण नहीं दिया गया था, पार्टी में बुलाया नहीं गया था। आप पार्टी की सदर विधानसभा की महिला कार्यकर्ता ने अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला आप कार्यकर्ता से छेड़छाड़, रेप की कोशिश और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। महिला कार्यकर्ता का कहना है कि महिला के साथ 2018 में रेप करने की कोशिश की गई। महिला ने इसकी शिकायत सदर विधानसभा के विधायक सोमदत्त और सीएम अरविंद केजरीवाल से भी की, जिसके बाद महिला को दोषी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। बावजूद इसके अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महिला ने चार आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। तो दिल्ली में बता दें कि आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से रेप की कोशिश की गई, ऐसा महिला का आरोप है और उसके साथ छेड़छाड़, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। महिला परेशान है और उसकी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप पहला नहीं है। अगर हम इन आरोपों को देखेंगे तो एक बहुत लंबी श्रृंखला है। चाहे हम नरेला चले जाएं, चाहे हम दक्षिण दिल्ली चले जाएं, ऐसे अनेक नाम हैं जिनमें आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के ऊपर ही छेड़खानी का आरोप लगाया है, चरित्र हनन का आरोप लगाया है। ये बहुत दुखद है। जब हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं और सार्वजनिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो सभी भाई बहन मित्र दोस्त साथी मिलकर साथ काम करते हैं। अगर वहाँ महिला अपने आप को असुरक्षित समझेगी तो इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ और आम आदमी पार्टी से मैं निवेदन करता हूँ कि आपकी पार्टी में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि राजनीति के चरित्र को बदनाम कर रहे हैं, उन सबको पार्टी से बाहर निकाला जाए और सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। मैं भी दिल्ली पुलिस से ही बात करूँगा कि इस मामले में FIR दर्ज हुई है और इस पे तो बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्र भाषा और रेप करने की कोशिश की गई है, ऐसा महिला ने आरोप लगाया है। महिला का यह भी कहना है कि उसने न्याय के लिए जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनके पास भी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एक तरफ महिलाओं को रक्षा करने की बात कहने वाली सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से बता दें कि इससे पहले भी कई गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लग चुके हैं, यह पहला कोई मामला नहीं है जिसमें किसी महिला ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए हों। तो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि 2018 में उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने खुद बुलंदशहर में मारपीट का मामला सामने आया है, जहां एक जूनियर इंजीनियर ने निलंबन से खफा होकर पावर कॉर्पोरेशन के एक्सएन से मारपीट कर दी। एक्सएन ने किसी तरह जूनियर इंजीनियर से अपनी जान बचाई। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद से जूनियर इंजीनियर फरार है। पीड़ित
एक्सेल ने पुलिस को तहरीर देकर मारपीट करने वाले जूनियर इंजीनियर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बुलंदशहर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिस तहरीर के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, आप देख सकते हैं वीडियो, नारेबाजी, तो एक्सेल से जूनियर इंजीनियर ने मारपीट की है। यहाँ पर एक अरुण यादव अवरिवेंता थे जो कि समीक्षा बैठक में के आदेश पर सस्पेंड किए गए थे। वहाँ जी आंदोलन चल रहा था, इसमें कुछ लोग यहाँ पर आए अवरिवेंता वर्ग का, चूंकि यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, चीफ ऑफिस आए, काफी जोर जोर से नारे लगाते रहे, ऐसी थर्ड बाहर आओ, उनको मेनली हमारे को ही पीटने का एक उद्देश्य था। लेकिन वो उस समय अचानक हम उनको नहीं मिल सके और वो यहाँ से लौटते पे फिर से चले गए और डिवीजन थर्ड का ऑफिस पड़ा। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक्सियन थर्ड जो हमारे इंजीनियर नवी सिंह है उनके साथ मारपीट की, एक दुखद घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाई, उनके साथ मारपीट हुई है, ये सत्य है। और इस पर अब आगे हम लोग उच्च अधिकारियों से बात करके आगे यहाँ पर एक